Huawei Mate 40 Pro, Horizon Super Flex OLED Display, Space Ring Camera Design, 50 Megapixel Ultra Vision Camera, Kirin 5nm Process Fastest Chipset, 66W Wired and 50W Wireless Charging and many more. दोस्तों आज मैं Huawei Mate 40 Pro का हैंडसोन रिव्यू बताने वाला हूँ। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं टेक स्ट्रीट। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं Huawei Mate 40 Pro के डिजाइन की। फोन का फ्रंट देखें तो 6.67 इंच की होराइजन फ्लेक्स डिस्प्ले मिलती है और इसको वाटरफॉल डिस्प्ले भी कह सकते हैं। फ्लेक्स इसलिए कह सकते हैं कि स्क्रीन ऑल साइड कर्व दी गई है। टॉप लेफ्ट में पील सेफ पंच आउट ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जहां पे 3D फेस आईडी सेंसर भी मिलता है। ओवरऑल फोन का फ्रंट अट्रैक्टिव दिया है। बैक पे आ जाए तो सबसे पहले कैमरा रिंग देखने को मिलती है जिसको कंपनी ने स्पेस रिंग कैमरा नेम दिया है, जहां पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है और एक लेजर ऑटोफोकस के लिए भी सेंसर दिया गया है। और कैमरा की डिटेल में आगे देने वाला फोन का ये कलर मिस्टिक सिल्वर है जो मैट फिनिश में आता है। इसके अलावा और चार कलर देखने को मिलते हैं, सिरामिक व्हाइट, सिरामिक ब्लैक, येलो और ग्रीन। बैक बॉटम में कंपनी का ब्रांडिंग दिया गया है। प्रोटेक्शन की बात करें तो फोन का फ्रंट और बैक ग्लास से बना है और फोन की जो फ्रेम है वो एल्यूमिनियम से बनी है। फोन में प्लेसमेंट्स की बात करें तो टॉप में सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन मिक, टॉप फायरिंग स्पीकर ग्रिल और आईआर ब्लास्टर दिया है जो होम अप्लायंसेस को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। राइट में पावर बटन और वॉल्यूम रोकर दिया गया है। जो पहले के Mate 30 Pro में वॉल्यूम रोकर था वो टच पैनल में दिया गया था, लेकिन यहाँ पर फिजिकल दिया गया है। वैसे P40 Pro में भी टच पैनल दी गई है लेकिन लेफ्ट साइड दी गई है। बॉटम में सिम ट्रे दी गई है जहाँ पे नैनो मेमोरी कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है जो प्रोप्राइटरी Huawei का ही मेमोरी कार्ड चलेगा। प्राइमरी माइक्रोफोन, USB टाइप सी पोर्ट और बॉटम फायरिंग स्पीकर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल फोन की डिजाइन एंड बिल्ड बहुत ही अच्छा है जो बहुत ही प्रीमियम फील देता है। Huawei Mate 40 Pro में डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच की वाटरफॉल OLED डिस्प्ले दी गई है। रिजोल्यूशन यहाँ पे फुल HD प्लस मिलता है और डिस्प्ले काफ़ी अच्छी और ब्राइटनेस लेवल भी बहुत ही अच्छा दिया गया है। और यहाँ पे 456 पिक्सल पर इंच की डेंसिटी मिल जाएगी, यानी व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा। वैसे फोन में मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है क्योंकि स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाता है और OLED डिस्प्ले भी है, तो गेमिंग में और मूवीज में तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और साथ में रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज की मिलती है, यानी स्वाइपिंग और स्क्रॉलिंग या गेमिंग में भी काफी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और रिफ्रेश रेट को डायनेमिक, अल्ट्रा या तो फिर स्टैंडर्ड मोड में सेट कर सकते हैं। अल्ट्रा यानी 90 हर्ट्ज, डायनेमिक यानी डिपेंड्स ऑन ऐप, यानी अगर आप गेमिंग खेल रहे हैं यानी गेमिंग कर रहे हैं और जो गेम है वो 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करती है तो 90 हर्ट्ज लेगी। अगर कोई ऐप का यूज़ करे जो 10 हर्ट्ज पे ही चलती है तो 10 हर्ट्ज लेगी। अल्टीमेटली यहाँ पे बैटरी को फ़ायदा होने वाला है जो अल्ट्रा में नहीं होगा। फोन में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो काफ़ी तेज काम करता है। और साथ में अनलॉक के लिए 3D फेस आईडी का भी फीचर मिलता है जो फास्ट अनलॉक करता है, लेकिन इतना सिक्योर नहीं है। Mate 40 Pro में कैमरे की बात करें तो रियर फेसिंग ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है जहाँ पे प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का सेंसर लगा है जो f1.9 एपेचर के साथ आता है और सेंसर की साइज 1.12 इंच की है एंड दिस इज द लार्जेस्ट सेंसर इन द करंटली अवेलेबल स्मार्टफोन्स। और सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन और लेजर ऑटोफोकस के साथ आता है। सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस दिया गया है जो f3.4 लेंस के साथ आता है जो 5x ऑप्टिकल, 10x हाइब्रिड और 50x डिजिटल जूम को सपोर्ट करता है। आखिरी सेंसर 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया है जो f1.8 लेंस के साथ आता है। फ्रंट में आ जाए तो ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है जहां पे प्राइमरी 13 मेगापिक्सल वाइड एंगल सेंसर दिया गया जो f2.4 लेंस के साथ आता है और सेकेंडरी टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर दिया है जहां पे जो डेप्थ मोड के लिए है। यहां पे आप फोटोज और वीडियो की सैंपल्स देख सकते हैं। फोन में 4K वीडियो 60fps से ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पे 8K का ऑप्शन नहीं दिया गया है जैसे कि अभी फ्लेक्सिप फोन्स में मिलता है। Mate 40 Pro में परफॉर्मेंस की बात करें तो Kirin 9000 पावरफुल चिपसेट लगी है और ये वर्ल्ड की सबसे पहली इंटीग्रेटेड 5G मॉडम के साथ आने वाली 5nm प्रोसेस चिप है और ये बहुत ही पावरफुल है। फोन में 8GB की LPDDR5 रैम मिलती है, 256 या तो फिर 512GB की UFS 3.1 स्टोरेज मिल जाती है और नैनो मेमोरी कार्ड से स्टोरेज को एक्सपांड भी कर सकते हैं।
फोन में परफॉर्मेंस काफी अच्छा मिलता है, गेमिंग और मल्टीटास्किंग में टासो परफॉर्मेंस मिलता है। मेट 40 प्रो में ओएस की बात करें तो EMUI 11 पे चलता है जो बना है एंड्रॉइड 10 के ऊपर। कई सारे फीचर्स के साथ आता है ये ओएस, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलेगा, गूगल की सर्विसेज भी देखने को नहीं मिलेगी। इसकी जगह ऐप गैलरी दी गई है जो हुआवे का ऐप स्टोर है, और वहाँ से आप नई नई एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन प्ले स्टोर जितनी ऐप नहीं मिलेगी। हालांकि आप थर्ड पार्टी से सभी गूगल प्ले स्टोर की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे और एक फीचर्स की बात करूँ तो यहाँ पे जेस्चर का फीचर भी दिया गया है, जिसके स्क्रोलिंग और स्वाइपिंग भी कर सकते हैं। हुआवे मेट 40 प्रो में बैटरी की बात करें तो 4400 mAh की यूज बैटरी लगाई गई है, जिसको चार्ज करने के लिए 66 वॉट का वायर्ड चार्जर दिया गया है, जो करीब 10 ही मिनट में 33% बैटरी को चार्ज कर देता है, 30 मिनट्स में 81% बैटरी को चार्ज कर देता है, और 55 मिनट्स में 100% बैटरी को चार्ज कर देता है। और फोन 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। हुआवे मेट 40 प्रो की प्राइस की बात करें तो फिलहाल तो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन यूरोप में इसकी प्राइस 1199 यूरो रखी गई है। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो करीब 105,000 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो सुपर डिज़ाइन, इमर्सिव डिस्प्ले, हाई एंड प्रोसेसर, बेस्ट कैमरा इन दिस सेगमेंट, फास्ट चार्जिंग, लेकिन नो गूगल सर्विसेज, नो 8K रिकॉर्डिंग, टू हाई प्राइस। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं हुआवे मेट 40 प्रो के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिवअवे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।